जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर जो जीएसटी का इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट का जो नोटिस रिसीव हो रहा है, उस इंटरेस्ट के नोटिस को पे करने से पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको देखना है वो ये है कि जीएसटी पोर्टल पर, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर दिसंबर 21 तक इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटो कंप्यूट नहीं होता था, लेकिन जनवरी 22 ऑनवर्ड्स जो है वो ऑटो कंप्यूट करता है जीएसटी पोर्टल इंटरेस्ट का अमाउंट। तो आपके पास अगर 21-22 का इंटरेस्ट का नोटिस आया है तो उसको पे करने से पहले अपने 21-22 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न जरूर चेक कर लें। क्या उसके अंदर कोई ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट का अमाउंट ऑलरेडी पेड है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नोटिसेज में देखा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट का नोटिस आ रहा है उसमें वो वाला पेड अमाउंट जो 3B से ऑलरेडी दिया गया है वो यहां कंसिडर नहीं किया जा रहा और टोटल अमाउंट का ही नोटिस जो है वो भेजा जा रहा है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर है 21-22 का ये है इंटरेस्ट का नोटिस पूरे साल का 12,733 रुपए 85 पैसे। अब इस पर्टिकुलर पार्टी के पोर्टल पर जब मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि 3B से ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट जो है मैक्सिमम पोर्शन जमा किया हुआ है, लेकिन उसे बिना कंसिडर किए हुए यहां नोटिस आ गया। अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो आप ये 12,000 रुपए जो है वो पे कर देंगे, जो कि आपके लिए नुकसान हो सकता है। अब आते हैं एक बार पोर्टल पर और देखते हैं पोर्टल पर इस चीज को किस तरीके से आप हैंडल करेंगे। यहां पर मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है उसी पार्टी का जिसका अभी हमने नोटिस आपको दिखाया। अब यहां सबसे पहले मैं आपको यहां पोर्टल पे दिखाता हूं कि 21-22 के अंदर जो हमारा जून का क्वार्टरली रिटर्न जाता है इस पार्टी का, इसकी जब आप अप्रैल से लेके जून क्वार्टर की जीएसटीआर 3B देखेंगे तो यहां पर आपको लेट फीस दिखेगा, ऑटो कंप्यूटेड इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आपका अप्रैल से लेके जून 21 की रिटर्न में डिले हुआ है तो उस इंटरेस्ट को कंप्यूट कर लीजिए और उसको कहीं नोट डाउन करके उसका पेमेंट करना है। ये तो बात समझ में आ गई, जो हमने 12,733 रुपए आपको दिखाए उसमें वो वाला पार्ट सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जुलाई से लेके सितंबर महीने की अगर आप देखेंगे तो जुलाई से लेके सितंबर महीने के अंदर भी इंटरेस्ट का अमाउंट जो है यहां पर ऑटो कंप्यूट नहीं हो रहा है। इसका मतलब चलो जुलाई से लेके सितंबर महीने तक का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हमें देना है। लेकिन अब यहां पर अक्टूबर से लेके दिसंबर 21 की जीएसटीआर 3B जब आप देखेंगे तो आपको क्या वहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाई देगा, अभी पहले चेक करते हैं और इसके अंदर जो एक ट्रिक है वो भी समझ लीजिए। ये मैंने खोला है अक्टूबर से लेके दिसंबर 21 का 3B। अब यहां पे आप देखेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट यहां पर भी ब्लैंक। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जो आपका इंटरेस्ट होता है और जो आपका लेट फी होता है, जैसे अभी हमने खोला है दिसंबर 21 का 3B, तो इसमें जो इंटरेस्ट आएगा, इसमें जो लेट फीस आएगा वो कौन से पीरियड का होगा? वो अक्टूबर से लेके दिसंबर महीने के डिले के लिए नहीं होगा, वो होगा सितंबर की रिटर्न अगर डिले से गई होगी तो उसका लेट फी और इंटरेस्ट दिसंबर महीने की 3B में आपको नजर आता है, दिसंबर क्वार्टर की 3B में। मतलब दिसंबर 21 में नहीं आया तो सितंबर तक की जो रिटर्न हुई है उसमें इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपको देना है, लेकिन दिसंबर की रिटर्न और इस रिटर्न के अंदर अमाउंट कैश में कितना हुआ है एक बार आप ये देख लीजिए, 2,51,233 रुपए। ये दिसंबर की टैक्स लाइबिलिटी है जो कैश के अंदर पे हुई है और ये रिटर्न, दिसंबर की रिटर्न जिसमें 2,51,000 की लाइबिलिटी कैश में पे करी गई, ये फाइल हुआ कब? ये हुआ है 1 फरवरी 2022 को, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर ड्यू डेट की बात करें तो वो कौन सी है? 24 जनवरी 2022। रिटर्न कब फाइल हुई है? 1 फरवरी 2022 को, यानी कि जब अब मार्च 22 की रिटर्न जाएगी तो उसमें इस डिलेड पीरियड का इंटरेस्ट आना चाहिए।
अब देखते हैं क्या मार्च 22 की GSTR 3B में दिसंबर 21 का जो डिले हुआ वो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है या नहीं, क्योंकि तो जनवरी 22 ऑनवर्ड्स ऑटो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3B में आने लग रहा है। अब यहां पर मैंने मार्च 22 का डेटा ओपन किया और इस मार्च 22 के डेटा में अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटो कंप्यूटेड मोड में आ रहा है 495, यानी कि 2,51,000 रुपए के ऊपर 18% की दर से 5 से 6 दिनों का इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली उसने रिटर्न से ले। तो नोटिस के अंदर जो अमाउंट है कि इतना अमाउंट इंटरेस्ट का पे करना है उसमें ये 495 495 कंसिडर नहीं किए गए, यानी कि वो सब्ट्रैक्टेड नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी। ये तो हो गया 990 रुपए, टोटल अमाउंट था 12,000 का। अभी देखिए असली मजा, दिसंबर 21 का इंटरेस्ट पेड है। अब देखिए ये मार्च 22 का जो GSTR 3B है इसके अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स कितने का हुआ है, लगभग 7,45,000 रुपए का। अगर ये रिटर्न मार्च वाली डीले से फाइल करी गई होगी तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन अप्रैल मई जून की जो क्वार्टरली 3B होगी उसमें आ रहा होगा। पहले तो ये चेक करते हैं कि मार्च 22 की जो ये GSTR 3B है ये फाइल हो कब गई। ये मार्च 22 की रिटर्न फाइल हुई है 24 मई 2022 को, जानी कब थी 24 अप्रैल को, यानी कि लगभग 1 महीने के बाद। तो 7,45,000 के ऊपर 18% की दर से 1 महीने का ब्याज लगभग लगभग बनता है 11,000 रुपए। तो क्या ये 11,000 रुपए का फिगर अप्रैल 22 से लेके जून 22 की रिटर्न में इंक्लूड हुआ है या नहीं? अगर हुआ होगा तो ये जो 12,000 का अमाउंट आया है उसमें से 11,000 रुपए और 990 रुपए वो लगभग 12,000 रुपए वैसे ही खत्म हो जाए। यहां देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट आपको नजर आएगा जो ऑलरेडी GSTR 3B से पेड है लगभग 11,000। तो 12,790 रुपए या 733 रुपए में ऑलरेडी हमारा 12,000 रुपए का लगभग अमाउंट जो है पेड है, मात्र 700 रुपए का इंटरेस्ट पेएबल बचता है, जबकि नोटिस आया है 12,733। तो आपको ये वर्किंग्स बहुत अच्छे से देखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ही इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो करना है, अदरवाइज नुकसान बड़ा हो सकता है अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है। क्लियर होती है बात? अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के भी बेफालतू के पैसे जो हैं वो ना लग जाएं और वो अपना इंटरेस्ट जो सही बनता है वो उसे पे करके अपनी लाइबिलिटी जो है उसे खत्म कर। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें वीडियोस के माध्यम से। GST का फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसके अंदर 180 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें अभी आपको मिल जाएगा डिस्काउंट का ऑफर, जो समर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आप इसके अंदर एक एक प्रोविजन, एक एक सेक्शन, एक एक रूल डिटेल में समझ जाएंगे। आप इसके लिए हमारा प्ले स्टोर GST प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।